समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व विधायक प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी ने सपा बसपा गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा होने और मुरादाबाद लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आने पर खुशी का इजहार किया है। ये बात काबिले जिक्र है कि हाजी नासिर कुरैशी मुरादाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ने के इच्छुक हैं और टिकट के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में ही आनी चाहिए थी, क्योंकि ये सीट समाजवादी पार्टी कई बार जीत चुकी है। हाजी नासिर कुरैशी 22 फरवरी की शाम को मोहल्ला असालतपुरा मुरादाबाद स्थित अपने कैंप ऑफिस पर सिटी चैनल 24 के साथ बातचीत कर रहे थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सपा बसपा गठबंधन के कार्यकर्ता हमारे भाई बंधु ये इंतजार ना करें कि टिकट किसको होगा और कब होगा, बल्कि अभी से ही गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करना प्रारंभ कर दें। उन्होंने कहा, देखिए सीटों का बंटवारा हो गया और मुरादाबाद की सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ तो पूरा जिला ही सब समाजवादी पार्टी का है और सपा के पास रही भी है सीट कई बार, तो उसके लिहाज से सपा के हिस्से में आनी थी। और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर लड़ेंगी और इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी की सीट यहाँ से क्लियर है। ये बताइए कि सीटों का बंटवारा तो हो गया लेकिन अभी टिकट का ऐलान नहीं हुआ है, तो आप चूंकि सपा हाईकमान के संपर्क में हैं, क्या अंदाजा है कब तक टिकट का ऐलान हो जाएगा, और जैसे ये देरी हो रही है तो आपकी नज़र में आप क्या इसके सिलसिले में क्या कहना है? देखिए वैसे तो अब हो जाना चाहिए, लेकिन यह है कि यह हाईकमान के हाथ में है और मैं समझता हूँ कि थोड़े ही दिनों में इंशाल्लाह हो जाएगा और अब ज़्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि अगर अब हो जाएगा तो कम से कम प्रत्याशी को, चाहे वो कोई भी प्रत्याशी हो, जिसको भी हाईकमान समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाए, मुझे बनाए या किसी को भी बनाए, और जिसको भी बनाएंगे अब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमारा भी ये फ़र्ज़ है, दायित्व बनता है कि हम उनको लड़ाएंगे, और अगर अभी हो जाएगा तो इतना वक्त मिल जाएगा कि तैयारी करेंगे, मतलब भरपूर टाइम मिल जाएगा कैंडिडेट को। हाँ पूरा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है तो कम से कम आदमी वहाँ मेहनत करेगा इंशाल्लाह, जब तक पूरा टाइम हो ही जाएगा पूरा टाइम। एक अंतिम प्रश्न ये हाजी साहब आपसे कि आप तो कई बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, सीनियर लीडर हैं, गठबंधन के कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? मैं गठबंधन के कार्यकर्ताओं से, समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग, जिस तरह से हम लोग अब एक हो गए हैं और अब मैं यूँ कहो कि समाजवादी पार्टी का परिवार बड़ा हो गया और बहुजन समाज पार्टी का परिवार बड़ा हो गया, अब हमारा परिवार एक हो गया है और बहुत बड़ा हो गया, और इंशाअल्लाह मैं सभी समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि सब लोग कंधे से कंधा मिला करके टिकट फाइनल का इंतज़ार ना करें, बल्कि मेहनत करनी शुरू कर दें, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेहनत कर भी रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। इस अवसर पर खालिद हुसैन, सपा नेता जुबैर कुरैशी, सरवर मिर्जा, फहीम मंसूरी, काशिफ कुरैशी, जमील अहमद, मोहम्मद असलम, मोहम्मद शरीफ वगैरह भी मौजूद रहे।